हेलो गाइस, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC की ओर से एक नया अपडेट और इम्पोर्टेंट अपडेट आया हुआ है और यह अपडेट जो है वह खुशी देने वाला है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी को देखते हैं कि क्या कह रहा है इस अपडेट में। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं इसमें जो है अपडेट क्या क्या है। तो यह जो अपडेट है वह सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस CAPFS असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन CISF एग्जामिनेशन 2019 के लेकर के है। उसमें जो है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ पेपर टू, यानी पेपर टू को लेकर के जो डिक्लेरेशन किया गया रिजल्ट को, और उसके साथ साथ कॉल कैंडिडेट्स फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। तो पेपर टू के हिसाब से रिजल्ट जारी हो गया है और इसमें से कैंडिडेट्स लोग को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जा रहा है। तो यह अपडेट है। तो इसमें जो है रिजल्ट ऑफ PET PST ऑफ SI इन दिल्ली पुलिस CAPFS एंड SI इन CISF एग्जामिनेशन 2019 वाज डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन और 4/6/2021 को ये डिक्लेयर कर दिया गया था PET का जो डेट था उसमें से। वेयर इन 5,446 मेल एंड 508 फीमेल कैंडिडेट्स, इन टोटल 5,954 कैंडिडेट्स वेयर डिक्लेयर क्वालिफाइड फॉर अपेयरिंग इन पेपर टू। तो इसमें जो कह रहा है उसमें से टोटल जो है 5,959 कैंडिडेट्स जो हैं मेल और फीमेल दोनों को मिला करके उनको अपेयरिंग करने के लिए पेपर टू के लिए डिक्लेयर क्वालिफाइड कर दिया गया था। और इसमें से जो है दूसरा अपडेट है उसमें क्या कह रहा है, फर्दर वाइड रिवाइज रिजल्ट्स 06 एडिशनल कैंडिडेट्स वेयर क्वालिफाइड इन PET PST एंड 1 कैंडिडेट्स वेयर डिक्लेयर नॉट क्वालिफाइड इन PET PST। यानी कि इसमें जो कर रहा है कि जो 6 स्टूडेंट्स हैं वे लोग क्वालिफाइड हैं PET और PST में, और एक जो कैंडिडेट है उसको नॉट क्वालिफाइड किया गया है PET और PST फिजिकल टेस्ट में। अल्सो 2 कैंडिडेट्स वेयर अलाउड टू अपियर इन पेपर टू ऑन द बेसिस ऑफ कोर्ट ऑर्डर, और इसमें से 2 स्टूडेंट्स जो हैं उनको कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से उन लोगों को अपियर करने के लिए कहा गया है पेपर टू में। इसके अलावा में यहाँ पे फिर क्या कह रहा है, तो देयरफॉर ए टोटल 5,969 कैंडिडेट्स वेयर शेड्यूल्ड टू अपियर इन पेपर टू। तो यहाँ पे टोटल जो हो गया 5,991 कैंडिडेट्स को शेड्यूल किया गया है पेपर टू में अपियर होने के लिए, और इसमें से ए टोटल ऑफ 5,291 कैंडिडेट्स अपियर इन दिस एग्जाम, और उसमें से 5,291 कैंडिडेट्स अपियर हुए थे इस एग्जाम में, जबकि 5,961 कैंडिडेट्स को शेड्यूल किया गया था पेपर टू में एग्जाम देने के लिए। इसके अलावा जो है तीसरा नंबर जो कह रहा हुआ है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स हैज नॉट बीन डन फॉर दिस पेपर, और इसके लिए जो है नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया है उस पेपर के लिए, यानी कि पेपर टू के लिए। और एज द पेपर फॉर ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स वाज कंडक्ट इन ए सिंगल शिफ्ट ओनली, और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है उनको सिंगल शिफ्ट में ही यह एग्जाम किया गया था। इसके अलावा में जो है चौथा जो अपडेट है इसमें, एज पर द प्रोविजन ऑफ पारा 14.6 ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये जो है पारा 14.6 के अनुसार में नोटिस जो कहा गया था एग्जाम को लेकर के, उसमें ओनली दोज कैंडिडेट्स हु स्कोर्ड मोर देन द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क फॉर पेपर टू, यानी कि इसमें से जो है जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाए थे उससे ज़्यादा स्कोर किए हैं यानी कि पेपर टू में, उसमें से अनरिजर्व के लिए 30% यानी कि 60 मार्क्स, OBC EWS के लिए 25 मार्क्स यानी कि टोटल 50 मार्क्स, एंड ऑल अदर कैंडिडेट्स 20% या 20% यानी कि 40% लाना था, हैव बीन कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग टू अपियर इन मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इसमें से जो भी इतने इतने परसेंट मार्क्स लाए हैं उन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है कि अपियर इन मेडिकल एग्जामिनेशन, तो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर इन लोगों को बुलाया गया जो इतने इतने प्रतिशत मार्क्स लाए हैं। इसमें से इसके बाद जो है वह कह रहा है कि द कैंडिडेट्स हु वेयर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड अंडर वेरियस लिस्ट इन पेपर वन ऑफ द एग्जामिनेशन विल सब्सिक्वेंटली बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन इन फाइनल रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन अंडर दोज रेस्पेक्टिव लिस्ट्स ओनली। तो इसमें जो है वैसे कैंडिडेट्स के बारे में कहा जा रहा है जो कि क्वालिफाइड हो गए वेरियस लिस्ट इन पेपर वन, तो पेपर वन के हिसाब से जो भी एग्जामिनेशन दिए थे और उसमें डिक्लेयर क्वालिफाइड हो गए हैं उनको सिलेक्शन के लिए फाइनल रिजल्ट जो एग्जाम है उसके लिए उन लोगों का लिस्ट बनना है, यहाँ पे यह कहा गया है। इसके अलावा 6 नंबर का जो है, रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट्स रिगार्डिंग टेंटेटिव आंसर की वेयर केयरफुली एग्जामिन्ड एंड आंसर की वेयर सुइटेबली मॉडिफाइड वेयर एवर रिक्वायर्ड एंड फाइनलाइज देयर आफ्टर। इसमें जो है जो टेंटेटिव आंसर की जारी किया गया था और उसमें जो जितने भी कैंडिडेट्स थे वे लोग यहाँ पर
उनको क्लेम किए थे तो उसको अच्छे तरीके से देख लिया गया है, और साथ ही साथ उस आंसर की को फिर से मॉडिफाइड कर दिया गया जहाँ जहाँ जरूरत हुआ वहाँ पर। उसके बाद में है द फाइनल आंसर की हैव बीन यूज्ड फॉर इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन द एग्जामिनेशन। उसके बाद में सारा कुछ देखने के बाद में जो फाइनल आंसर की जारी किया गया उसी के हिसाब से यहाँ पे इवेल्युएशन किया गया है उस कैंडिडेट्स का और उसी एग्जाम को लेकर के। यह भी है इसी में अपडेट। साथ साथ यहाँ पे जो कह रहा है सातवां नंबर सेवन नंबर के बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ टेंटेटिव वैकेंसी एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर इन पेपर टू द कमीशन हैज फिक्स्ड ए यूनिफॉर्म रेशियो ऑफ 1:3। यानी कि यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स लोग वैकेंसी निकाला गया था और उसमें से जितने भी कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे पेपर टू में उसको लेकर के कमीशन फिक्स किया गया है एक यूनिफॉर्म रेशियो, यानी कि और वो रेशियो जो है 1:3 के हिसाब से, यानी कि वैकेंसी 1 तो अपीयर्ड स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स 3 के रेशियो में ये डिवाइड किया गया था फॉर क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स इन पेपर टू। और वैसे ही करके ये पेपर टू के लिए क्वालिफाइंग किया गया है फॉर अपीयरिंग इन मेडिकल एग्जामिनेशन व्हेरेवर अवेलेबल। और इसी हिसाब से फिर अपीयरिंग किया जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जितने भी अवेलेबल होंगे। तो यानी कि 1:3 के रेशियो में यह अब मेडिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा में यहाँ पे देखते हैं क्या है अपडेट। तो ये जो अपडेट है आठवां नंबर में बेस्ड ऑन द कट ऑफ फिक्स्ड बाय द कमीशन, यानी पेपर वन और पेपर टू को मिला करके कैटेगरी वाइज डिटेल्स कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग फॉर पेपर टू फॉर अपीयरिंग इन मेडिकल एग्जामिनेशन आर एज अंडर। तो यह जो है पेपर वन और पेपर टू को लेकर के जो कट ऑफ फिक्स्ड कर दिया गया था उसमें से जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्वालिफाइंग पेपर टू में किए गए हैं उनको अब मेडिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो वो किस प्रकार का बुलाया जाएगा यह देखना है। तो यहाँ पे है जो पहला लिस्ट वह फीमेल लोग के लिए ओपन वैकेंसी था, इसमें एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और यूआर दिया हुआ टोटल, उसमें जो कट ऑफ है पेपर वन और पेपर टू को मिला करके ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और इसमें से अवेलेबल कैंडिडेट जितने भी हैं उसमें से यहाँ पर देख रहे हैं टोटल 473 कैंडिडेट्स यानी फीमेल कैंडिडेट्स हैं। एससी के लिए कट ऑफ मार्क्स आप लोग देखिए एसटी के लिए है 126.26 ऐसे है, ओबीसी के लिए 175 है पॉइंट समथिंग, फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 205 एंड यूआर के भी 205 से ज़्यादा है। और इसमें से कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं इतना, तो टोटल मिला करके जो फीमेल हैं उनको 473 अवेलेबल हैं। उसके अलावा में यहाँ पे जो दिख रहा है 52 एससी 51 एसटी 130 ओबीसी एंड 71 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग एट यूआर कट ऑफ हैज बीन शोन अंडर द रिस्पेक्टिव कैटेगरी। तो इसमें से जो है ये 52 एससी 51 एसटी और 130 ओबीसी साथ साथ 71 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं वे लोग अनरिजर्व कैटेगरी के जो कटअप थे उसको भी पार कर लिए हैं, तो उनको भी यहाँ पर बताया गया है। अब इसमें से जो है पेपर जो लिस्ट टू है उसको देखते हैं। तो जो लिस्ट टू है उसमें मेल लोग के लिए कहा गया ओपन वैकेंसी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स दिल्ली पुलिस एंड स्पेशलाइज्ड कैटेगरी ऑफ एक्स सर्विसमैन दिल्ली पुलिस यह है। तो इसमें जो है एसटी एससी ईएसएम ओबीसी ईडब्ल्यूएस यूआर टोटल दिया गया है, इसमें से कट ऑफ मार्क्स पेपर वन और पेपर टू को मिला करके बताया गया है। और इसमें जो अवेलेबल कैंडिडेट्स जो हैं उनके यहाँ पर नंबर्स आप लोग देख सकते हैं, टोटल है 4635 यानी कि 4635 मेल कैंडिडेट्स हैं जो अवेलेबल हैं, और उनके लिए जो कट ऑफ मार्क्स है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा में यहाँ पे जो है 530 एससी 461 एसटी 320 ईएसएम और 1379 ओबीसी साथ साथ 641 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग एट यूआर कट ऑफ हैव बीन शोन अंडर देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। तो इसको भी ये लोग जितने भी हैं वे लोग भी यूआर के कट ऑफ को पार कर लिए हैं, तो ये अपना नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है फॉर प्रोसेसिंग ऑफ दिस रिजल्ट कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू कैटेगरी कोड 4 ये सब सारा आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा में वुड बी प्रोसेस्ड अंडर द एक्चुअल कैटेगरी ऑफ दिस कैंडिडेट्स व्हिच इज टू बी प्रोवाइडेड थ्रू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डाटा। तो इसमें जो है इसमें सारे के सारे स्टूडेंट्स लोगों अपना जो एक्चुअल कैटेगरी है वो यहाँ पे देखना है, साथ ही साथ व्हिच इज टू बी प्रोवाइडेड थ्रू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डाटा, और उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में यही डाटा को फिल करना है जो उन्होंने पहले भरा था। तो यह एक बहुत बड़ा अपडेट है। इसके अलावा में आपको यहाँ फिर एक चीज़ दिया गया है रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग 3 कैंडिडेट्स हैव बीन केप्ट
विथ हेल्ड ड्यू टू वेरियस कोर्ट केसेस। इसमें जो तीन रोल नंबर दिए गए हैं उनका जो है वेरियस कोर्ट केस हुआ है, इस कारण से यह अभी पेंडिंग में है, यानी कि यह DU में है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, तो जिसका भी रोल नंबर है ये आप लोग अपना चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो है फर्दर अपॉइंटमेंट ऑफ द लास्ट कैंडिडेट्स टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस अंडर OBC कैटेगरी सेल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल ब्रांच न्यू दिल्ली इन OA नंबर इतना। यानी कि इसमें जैसे जो है सबसे लास्ट वाला जो कैंडिडेट्स है उसको यहाँ पर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल ब्रांच के हिसाब से कुछ इशू है तो वहाँ पर ये चला गया है। इसके अलावा में आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 नंबर यानी 12 नंबर का जो शेड्यूल ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड टू द कैंडिडेट्स इन ड्यू कोर्सेज। मतलब ये जो है शेड्यूल जो है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कैंडिडेट्स का वह अभी DU पेंडिंग में है, तो यह कुछ दिन में आ जाएगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फॉलो द वेबसाइट ऑफ रीजनल ऑफिसेस ऑफ द कमीशन रिगार्डिंग इशू ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एडमिट कार्ड जो है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, उसके लिए आप लोगों को अपना जो रीजनल ऑफिस है कमीशन का वहाँ पर आप लोगों को बार बार विजिट करना है, वो आपको देखते रहना, यह भी कहा गया है। इसके अलावा में आपका जो 13वां नंबर है यानी कि 13 नंबर का जो है मार्क ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी प्लेस्ड ऑफ द कमीशन वेबसाइट इन ड्यू कोर्सेज। यानी कि इसमें जितने भी कैंडिडेट्स अपना मार्क्स लाए हैं उसको भी कमीशन के वेबसाइट में दे दिया जाएगा। तो यह अभी पेंडिंग में है, तो यह अभी DU में है, तो ये भी एक बड़ी अपडेट है। आप लोग अपना मार्क्स भी देख सकते हैं, और ये जो है यहाँ अंडर सेक्रेटरी, ये आप लोग डेट को यहाँ देख सकते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा और अच्छा अपडेट आया है SSC की ओर से। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस CAPS इस सब में जो है पास किए थे, उनके लिए अब मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आ गया है नोटिस। तो इसके लिए आप लोग SSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग विजिट करते रहिए, वैसे कुछ अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को जरूर से जरूर बता दूंगा।